एमएसपी पर जारी रहेगी लड़ाई। सरकार हमको बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कीड़े लगाकर दिल्ली में आने से रोका, हम उन्हें गांव में आने से रोकेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत में किसानों ने कहा कि एमएसपी की लड़ाई जारी रहेगी। भारतीय किसान यूनियन और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि 22 जनवरी 2021 के बाद सरकार ने कोई बात किसानों से नहीं की। उन्होंने कहा कि सरकार झूठ बोलती कि देश के सामने भी और मीडिया के सामने भी, जब बातचीत ही नहीं करनी तो समाधान कैसे करेंगे। टिकैत ने संयुक्त किसान मोर्चा की रामलीला मैदान में आयोजन किसान मजदूर महापंचायत में कहा कि देश में सब जगह आंदोलन चल रहे हैं, बहुत से आंदोलन दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि कर्नाटक का आंदोलन हुआ और बिहार का आंदोलन हुआ तो दिखाई नहीं देगा बिल्कुल भी। ये विचारधाराओं के आंदोलन है, जो भी सरकार किसानों के विरुद्ध फैसले लेगी और उसके विरोध में आंदोलन जारी रहेगा, चाहे वो कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसके खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। हमें किसी पार्टी से कोई लगाव नहीं है, गाँव में नहीं घुसने देंगे। किसान महापंचायत में किसान नेता ने एमएसपी ऋण माफ़ी की मांग को दोहराया। महापंचायत में किसान नेताओं ने साफ किया कि एमएसपी में उनकी लड़ाई जारी रहेगी। महापंचायत के दौरान वक्ताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर कीड़े लगाकर दिल्ली में आने से रोका, हम उन्हें गाँव में आने से रोकेंगे, गाँव में घुसने नहीं देंगे, शासन के विरुद्ध आंदोलन करना होगा। किसान नेता गुरनाम सिंह ने कहा कि हरियाणा किसी विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि हर साल एक किसान पर 21,376 रुपये का कर चढ़ता है। 2000 से 2015 तक किसानों को एमएसपी से 45 लाख करोड़ रुपए कम मिले अपनी फसलों पर। आज हरियाणा पंजाब का युवा अपनी ज़मीन बेचकर विदेश जा रहा है, हम देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं, हम अमीर बनने के लिए ज़िंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम एमएसपी मिलने से हम अरबपति नहीं बन जाएंगे, हमारे पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब लड़ते हैं तो हम पर आंसू गैस छोड़े जाती हैं, गोलियां चलाई जाती हैं, सरकार खुद में सुधार नहीं करती तो सरकार को इसका खामियाजा उठाना होगा। अगला जो आंदोलन होगा उस आर पार का होगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक मेघा पाटकर ने कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देना सरकार को चाहिए, उद्यमियों को अधिकतम मुनाफा करा रही, किसान को अपनी चीज़ों पर सही दाम चाहिए और हर चीज़ पर चाहिए। देश की टैक्स पॉलिसियों में सरकार बदलाव करे तो बड़े उद्योगपतियों से मिलने वाले टैक्स से किसानों को आसानी से एमएसपी दिया जा सकता है। देश की टैक्स पॉलिसी संयुक्त किसान मोर्चा भी अपना बयान जारी करते हुए कहा कि किसान संगठनों ने 23 मार्च को देश के सभी गांवों में लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाकर लखीमपुर खीरी के केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र टेनी को भाजपा द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध किया। आपको क्या लगता है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को भाजपा ने प्रत्याशी बनाकर बहुत बड़ी गलती की? अपना कमेंट करके जरूर बताएं। इसके लिए बस इतना, फिर मिलते नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।